गुड मॉर्निंग बॉयज। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ आपका स्वागत करती है अंडर 16 ट्रायल्स पर। मैं अपनी सिलेक्शन कमेटी के लोगों का परिचय करा दूं। हमारे सबसे उधर एंगर सर खड़े हैं, मीडियम पेस बॉलर थे, रणजी ट्रॉफी खेला इन्होंने और देवधर ट्रॉफी खेला। इसके बाद अनुराग श्रीवास्तव साहब बेहतरीन ऑफ ब्रेक बॉलर थे, इन्होंने भी रणजी ट्रॉफी खेला है और जूनियर इंडिया से वेस्ट इंडीज का दौरा किया है। हमारी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मजहर अली अंसारी साहब बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर थे और कई वर्षों तक रणजी ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किया है। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूं, जूनियर इंडिया से पाकिस्तान का दौरा किया है और मैं ओपनर बैट्समैन था। तो हमारे सारे सेलेक्टर्स आप पे लगातार नजर रखेंगे। मैं परिचय करा दूं, आसिफ खालिद का ट्रायल कोऑर्डिनेटर है, असिस्टेंट ट्रायल कोऑर्डिनेटर है। कोई भी समस्याएं आप लोगों की है वो आपकी समाधान करेंगे। उसके बाद अगर ना उनसे संभलेगा तो मैं ट्रायल कोऑर्डिनेटर हूं इस पूरे ट्रायल्स का, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपका समाधान करूंगा। बाकी आपने लास्ट ईयर सीएल के जो भी मैचेस खेले हैं, कोई भी परफॉर्मेंस है उससे मुझको अपडेट कराएंगे। आपके लास्ट ईयर कैंप्स किया है उसके बारे में बताएंगे और अंत में कोविड प्रोटोकॉल सभी बच्चे फॉलो करेंगे। जिनके पास मास्क है मास्क का इस्तेमाल करें। इस शब्दों के साथ मैं विराम देते हुए अनुराग श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा कि थोड़ा लड़कों का हौसला अफजाई करें। गुड मॉर्निंग बॉयज, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। मैं बस बाकी पीयूष सर ने बहुत कुछ आपको बता ही दिया है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग क्रिकेटर्स हैं, साल भर मेहनत करते हैं, आपने प्रैक्टिस की है और आज वो दिन है कि आप अपने प्रदर्शन को दिखाएंगे, अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, अपने खेल को दिखाएंगे। और आपके खेल को देखने के लिए हम चार सेलेक्टर्स यहां पर मौजूद हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ होगा, जो अच्छा होगा वो सेलेक्ट होगा और जो बच्चे, जाहिर सी बात है सब नहीं सेलेक्ट होंगे, तो जो नहीं होंगे वो निराश ना हो, अगले साल और अच्छी मेहनत कर आए, है ना। और बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जितने भी बैट्समैन हैं वो सीक्वेंस से बैटिंग करने जाएंगे। सीक्वेंस से मतलब जिसका नंबर पहले है वो पहले बैटिंग करेगा, उसमें कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लाइन लगा के खड़े होइएगा, ठीक है। और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मैंने अभी अंडर 19 ट्रायल्स में देखा है कि यहाँ पे एट ए टाइम 40 लड़के खड़े हुए, अब उसका नंबर आएगा एक घंटे के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप खुद एग्जॉस्ट हो जाते हो धूप में खड़े 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 खड़े, जब बैटिंग करने जाओगे आपका परफॉर्मेंस कम होगा। तो आपको मालूम है किसकी सीक्वेंस है, वहाँ पे 6-8-10 बैट्समैन खड़े रहे, बाकी आप लोग रेस्ट करके आराम से बैठे रहिए। सीक्वेंस पता कर लीजिए कि मेरा बगल वाले से पूछ लीजिए, जिसकी सीक्वेंस पहले वो पहले बैटिंग करने जाएगा, ये आप लोग आपस में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे चैलेंज सिंह सिंगर, हमारे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी के लिए वो दो शब्द कहे। गुड मॉर्निंग। जितने भी प्लेयर्स हैं जो भी अपना ट्रायल्स देके जब निहटते हैं तो बिना मिले नहीं जाएगा कोई भी, जैसे कुछ बच्चे छूट जा रहे हैं, जैसे एब्सेंट लग जा रहा है उनका, लेकिन वो आते हैं ट्रायल पे तो वो नहीं हो पा रहा है ऐसे, तो प्लीज आप लोग बिना मिले कोई नहीं जाएगा, जो भी बच्चे वहाँ पे ट्रायल्स दे चुके होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं शब्दों के साथ असेंबली को एंड करता हूँ और ट्रायल प्रारंभ करने की सूचना देता हूँ। आप लोग सब लोग ग्राउंड पे आए।
Change.